हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत मौर्य। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप से जुड़ी कुछ ट्रिक्स, जिनका यूज करके आप अपने व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को और भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप के डिफॉल्ट थीम को किस तरह से आप डार्क मोड में चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट पासवर्ड को लगा सकते हैं। होता क्या है, जब आप अपने व्हाट्सएप पर मोबाइल का डिफॉल्ट लॉक लगाते हैं तो वो हैक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको आपका जो अकाउंट है व्हाट्सएप का वो सिक्योर नहीं रहता है। तो इसलिए ही व्हाट्सएप ने आपको अवेलेबल कराया है फिंगरप्रिंट पासवर्ड। तो आप उसको व्हाट्सएप में कैसे ऐड करेंगे, साथ ही आप कैसे अपने व्हाट्सएप पर कॉलिंग करते समय डाटा को रिड्यूस कर सकते हैं, जो आपका इंटरनेट डाटा खर्च होता है उसे कैसे कम कर सकते हैं, कि ताकि आपका जो कॉलिंग करते हुए डाटा कम खर्च हो। साथ ही आप कैसे यहाँ पर पता करेंगे कि जो आप व्हाट्सएप में जो भी अपना डाटा यूज करते हैं, कितना आपने सेंड किया, कितना रिसीव किया, तो आपका डाटा कितना यूज हुआ है, तो आप वो कैसे पता करेंगे। तो फ्रेंड, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने व्हाट्सएप अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने पुराने नंबर से नए नंबर में व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सब आपको डिटेल से बताऊंगा, और भी ट्रिक्स बताऊंगा जहां पर आप अपने जो फंड चार्ज वगैरह को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, और जो थीम है वो डार्क कैसे होगी, ये आज की वीडियो में मैं सब आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए तो हमारे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर का बटन दे रखा है, और साथ ही बेल को दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने व्हाट्सएप का ऐप ओपन कर लेना है। आपको कॉर्नर में थ्री डॉट दिखाई दे रहे होंगे, आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे, और आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने जो डार्क थीम को कैसे एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चैट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और आपको फर्स्ट में ही मिल जाता है थीम। तो थीम पर आपको क्लिक करना है, और थीम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लाइट और डार्क। तो अगर आप डार्क मोड में करना चाहते हैं तो इसको डार्क पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो व्हाट्सअप है वो जो वाइट थीम थी वो अब डार्क थीम में बदल चुकी है। तो इस तरह से ही आप इसे वाइट से डार्क थीम में कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं सेकेंड आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप का पासवर्ड है उसको कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड है उसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से देखने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे फ्रेंड आप फर्स्ट ऑप्शन प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं, और आप जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि आपका जो मोबाइल है वो 5.1 लॉलीपॉप या मार्सलो से ऊपर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर व्हाट्सएप का ये रिक्वायरमेंट है, जो एंड्रॉयड 10 बेसिस पर ये वर्क करेगा, जो कि आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। तो आपको इसके लिए आपका मोबाइल यहाँ पर एंड्रॉयड 10 बेसिस पे ज़रूर होना चाहिए, तब यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट वर्क करेगा। तो मैं आपको एंड्रॉयड 10 वर्जन पर जो वर्क कर रहा है तो उस पर मैं आपको करके दिखाऊँगा कि आप किस तरह से फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये एंड्रॉयड 10 के बेसिस पर किस तरह से वर्क करेगा तो आपको मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये डिसेबल है इस समय। इसे आप अनेबल किस तरह से करेंगे, तो आपको फिंगरप्रिंट लॉक पर आपको क्लिक करना है, और इस तरह से आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इसे आपको यहाँ पर अनेबल करना है। तो यहाँ पर जैसे आप अनेबल करेंगे तो नीचे आपका यहाँ पर कन्फर्म फिंगरप्रिंट मांगेगा, तो आपका जहाँ पर फिंगरप्रिंट बैक में है या फ्रंट में है उस तरह से आपको कर देना है। मेरा फ्रंट में है, मैं यहाँ पर टच कर दे रहा हूँ इसे, और ये यहाँ पर ले लेगा और राइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर टाइम भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप आफ्टर 1 मिनट में चाहते हैं यहाँ पर सेट करना, या आफ्टर 30 मिनट्स में, तो आप जैसे चाहें इसे टाइम ले सकते हैं। तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ पर जैसे ही आपका लॉक होगा तुरंत ही यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो जैसे कि मैं इसे एक बार लॉक कर लेता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे कि मैंने इसे लॉक किया, और अपनी जो व्हाट्सअप है तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर फिर से लॉक मांगने लगा है। तो जो इमीडिएटली मैंने सेट किया, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर जैसे ही टच करूँगा यहाँ पर ये ले लेगा, और यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा व्हाट्सअप। तो ऐसा आप अगर लगता है कि आपको यहाँ पर रहने पे ही वर्क करेगा, तो एक बार मैं व्हाट्सअप से बाहर आ जाता हूँ और इसे यहाँ पर कर लेता हूँ। तो व्हाट्सअप पर मैं फिर से क्लिक करूँगा, यहाँ पर फिर से मांगेगा, और मैं यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले पर क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट ले लेगा। तो ये इसी तरह से लगभग यहाँ पर वर्क करता है, तो आप इसका यूज इसी तरह से कर सकते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ से आपको एक बार वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आप किस तरह से टू स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसमें स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पर आपको अनेबल का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, आपको इस पर नीचे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको 6 डिजिट पिन मांगेगा, तो आपको कोई यहाँ पर एक पिन डाल देना है। फ्रेंड आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है तो उससे पहले आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर लेना है या वाईफाई है तो उससे कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही यहाँ पर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोई पिन डाल दे रहा हूँ और आपको भी ऐसे ही कोई पिन डाल देना है 6 डिजिट का, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेम डालना है आपको कंफर्म करने के लिए। इस तरह से आपको कोई भी एक पिन डाल देना है आ जाएंगे। और यहाँ पर जो ईमेल आईडी मांग रहा है तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, और डालनी क्यों है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एड एन ईमेल एड्रेस टू योर अकाउंट विच विल बी यूज द रीसेट योर पिन इफ़ यू फॉरगेट इट द सेफ वार्ड योर अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आपको कभी रीसेट करने की जरूरत पड़ती है अपने इसको पिन को और फॉरगेट करने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आप फॉरगेट करने का ऑप्शन मिल जाता है अगर ईमेल है आपके पास, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आपकी जो ईमेल आईडी है आपको वहाँ पर टाइप कर देनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक बार ईमेल आईडी आपको सेम जरूर डालनी है दोबारा कंफर्म करने के लिए। और यहाँ पर इस तरह से आपको कंफर्म योर ईमेल आईडी एड्रेस डाल देना है दोबारा से, और यहाँ पर इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब अप्लाई सेटिंग होगा तो यहाँ के अप्लाई सेटिंग जब होगा तो यहाँ पर इसके बाद ये प्रोसेस आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जब फ्रेंड आपका अप्लाई सेटिंग के बाद यहाँ पर इस तरह से वेरीफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको नीचे डन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपने वेरिफिकेशन पिन किया तो आप उसे डिसेबल करना चाहें डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और चेंज करना चाहें पिन तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस में जाके आप ईमेल आईडी भी अपनी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये आप यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो किस तरह से आप यहाँ पर अपना जो मोबाइल में जो आप व्हाट्सअप चला रहे हैं उसमें किस तरह से आपका डाटा यूज हो रहा है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि आपको नेटवर्क यूज का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फर्स्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है नेटवर्क यूज का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूजेज डाटा जो 2.2 GB हो चुका है, जिसमें से आपने सेंड किया है वो 334.5 किया है और रिसीव आपने 1.9 GB किया है। तो यहाँ पर आपने कॉलिंग में कितना खर्च किया है वो भी आपको दिखाएगा, और मीडिया जो भी आपने यहाँ पर डाउनलोड किया है जो भी किया है तो यहाँ पर सब आपको दिखाई देगा। तो 2.7 MB या 500 MB यहाँ पर आपने डाउनलोड किया है और भेजा है 2.7। तो ऐसे ही गूगल ड्राइव में आपने जो भी डाटा सेव किया है या जो कि आपने भेजा है आया है और भेजा है यहाँ पर आपको दिखा रहा है, तो जो भेजा है आपने यहाँ पर 2.98 यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे ही मैसेज का भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है और स्टेटस का भी। तो आप जो भी डाटा यहाँ पर यूज कर रहे हैं व्हाट्सअप में तो आपको यहाँ पर सब डिटेल से दिख जाएगा कौन सा डाटा कहाँ पर कितना यूज हुआ है, तो ऐसे ही आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए इसे यहाँ से आपको बैक करना है, और उससे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ आपको रीसेट का भी ऑप्शन है, तो आप चाहते हैं यहाँ पर लार्ज रीसेट आपने कब किया है या नहीं करना है तो यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे नेबर है, अगर आपको रीसेट करना है इसको फिर से डाटा को तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर इसे छोड़ देता हूँ, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको बैक आना है, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा जब आप कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग करते समय जब आपका जो डाटा है वो चालू रहता है तो उस समय डाटा आपका बहुत कम खर्च हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कॉलिंग सेटिंग के ऑप्शन में लो डाटा यूजेस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने डाटा को रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस द डाटा यूज इन एक कॉल, तो यहाँ पर जैसे आप इसे अप्लाई कर देंगे इसके बाद आप जब कॉल करेंगे तो वहाँ पर जो आपका डाटा है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा यूज होना। तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर है वो नए नंबर से
जो आपका मोबाइल नंबर है वो पुराने नंबर से नए नंबर में कैसे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और नीचे के साइड में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जैसे ही ये ऑप्शन मिलता है तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको मांगेगा इंटर योर ओल्ड नंबर विथ कंट्री कोड। तो यहाँ पर जो कोड है वो कंट्री कोड आपको ऑटोमेटिकली ले लेगा, और उसके बाद आपको अपना ओल्ड नंबर पहले डाल देना है, उसके बाद सेकंड में आपको न्यू नंबर डालना है जिसमें आपको ट्रांसफ़र करना है। तो आपको इसके बाद यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर ओके हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है व्हाट्सएप का वो आपके नए नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस आपको बस इतना ही करना है। फ्रेंड, आप अपने जो व्हाट्सएप है उसका फ़ंट साइज को कैसे सेट करेंगे यहाँ पर वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको चैट के ऑप्शन में जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको फ़ंट साइज का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं काफ़ी स्मॉल दिखे तो स्मॉल भी सेट कर सकते हैं, अगर इसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पर मीडियम करना चाहते हैं या लार्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं लार्ज जैसे यहाँ पर कर देता हूँ, और उसके बाद हम बैक जाते हैं और यहाँ पर इसे हम देख लेते हैं कि ये लार्ज करने पर कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ मैसेज देख सकते हैं, इस तरह से आपको बड़ा बड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से ही काफ़ी अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा दिखाई देगा जब बड़ा हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।